ये अभी भाई ने ताजी मछली पकड़ी है जी, ट्राउट। क्या रेट है इसका? 3000 रुपए किलो। वजन है एक किलो 340 ग्राम। ये कितना? ये जी हमारा पॉइंट, जरक साहब लगा रहे हैं दौड़े। हमने नीचे पहुंचना है। ओए इधर इधर, अगर आप दौड़ पड़े ब्रेक नहीं लगनी। सर सीन कैसा है? ओए ओए वाह, ओए ट्राउट, जरक मछलियाँ सर, फिश 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 रहा पड़ा है। अच्छा ये फॉर्म बनाया हुआ है इन्होंने, जरक ये फॉर्म बनाया हुआ है ना इन्होंने, झील दूसरी साइड पे आप मतलब फिश खा सकते हो। उमेर साहब से पूछ लो खानी है कि नहीं। ओए वो किधर गया? आ जा यार। सर जी पीछे क्रूजर खड़ी है, नीचे क्रूजर भी खड़ी है, एचआर भी खड़ी। इंशाल्लाह हम, मैं और जरक इंशाल्लाह वन डे यहाँ पे आएंगे फॉर्च्यूनर नहीं डीजल पे, यहाँ आएंगे हाइलक्स पे। हाँ इंशाल्लाह, एचआरवी भी खड़ी है भाई यहाँ पे। तो ये यार सीन बड़ा प्यारा है, वहाँ आगे फैमिलीज है। हम लोग इधर से ना, मेरे जरक इधर से चले जाते हैं, हम लोग इधर से जाते हैं दूसरी तरफ से। सीन वर्थ इट है, लेकिन डे लाइट में हमें निकलना पड़ेगा। ये पानी ठहरा हुआ है, इसके अंदर अब ट्राउट हम आपको दिखाते हैं, और भरा पड़ा है ट्राउट के साथ। अच्छा ये इन्होंने उधर से पानी आ रहा है, यहाँ से बाहर निकाला हुआ है, ऐसे ही है। यस भाई, ये पूरा पूरा फॉर्म ट्राउट का है, और मैं आपको मछलियाँ दिखाता हूँ। देखा, ऐसा लगता है जैसे सांप है, इतनी ज़्यादा मछली है ये। और ये पाली हुई है इन्होंने, मतलब फार्मिंग की हुई है इसकी। और ये चेक करें, और ये जो गलत हरकत, ये देखें रैपर फेंका हुआ, यार कितनी बुरी चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चे भी हैं जो कि इनको नहीं करना चाहिए, पत्थर मार रहे हैं, खुराक है, बल्कि खुराक डाल रहे हैं इनको। और चेक करें ज़रा मछलियाँ कितनी ज़्यादा हैं यार यहाँ पे। ये एक अकेली बैठी हुई है, ये नॉर्मली इसी साइज़ की ही होती है। ये देखें, असल में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, वो भाग जाती है, पास कोई नहीं लगती, लेकिन बहुत खूबसूरत सीन है यार। बहरहाल यहाँ पे जो सीन हो रहा है, यहाँ पे मिलती है फ़िश, और अभी वो भाई जो है वो पकड़ने जा रहा है, ये जो भाई आप देख रहे हैं। तो अभी हम आपको मछली जो है वो दिखाएँगे, ये इनका जाल पड़ा हुआ है, यहाँ से मछली पकड़ते हैं और इधर ही आपके सामने करते हैं। आपने ग्रिल करवानी है, फ्राई करवानी है, जैसे भी है सारा कुछ आपको कर देते हैं। ये सारा सीन यहाँ पे है, काफ़ी अच्छी रौनक है, लेकिन टाइम का। ये भी भाई ने ताज़ी मछली पकड़ी है जी, ट्राउट। ये यहाँ पे जगह बनाई है। क्या रेट है इसका? 3000 रुपये किलो। इतनी महंगी? और ये कितना अभी वजन है? एक किलो 340 ग्राम। ये कितने की बनती है? ये जी ये बिल्कुल फ्रेश दरिया की मछली है, ये फार्मी नहीं है, ट्राउट। और ये इसी साइज़ की होती है? 41 से 42। अच्छा ये इसी साइज़ का होता है, इससे बड़ी होती है कि नहीं? बहुत कम, बस ज़्यादातर। अच्छा ज़्यादातर यही साइज़ है। ये है जी लाइव ट्राउट फिश, भाई पकड़ के दिखा रहे हैं, देखिए। वापसी पे थोड़ी हाइकिंग कर रहे हैं कि मेरा जिसम में जान आ जाए। सर मेरी जैकेट पकड़ लेंगे? जरक साहब को जैकेट पकड़ा दूँ, मैं आया सर पीछे। यहाँ पे ना गाड़ियाँ लोग नीचे तक ले गए, हमने नहीं रिस्क लिया यहाँ पे। वैसे जा सकती थी, एक साइड सूखी एक साइड गीली है, लेकिन ले नहीं सकते थे, पता नहीं हमारी मतलब हाल देख रहे फिटनेस का, हम लोग इतने से ही थक जाते हैं। और वो वहाँ से नीचे से हम लोग आए, अभी हमारा यहाँ से वापसी है, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है वापसी का सैलाब की वजह से। तो इधर जितनी जल्दी जा हो सके निकलें, बॉयज लगे हुए हैं यहाँ पर। ये ट्रांसपोर्ट सर्विस चल रही है, लोगों को लेके आ रहे हैं। ये एक्चुअल में ट्रैक है जहाँ से वो मंडरा रहे थे, यहाँ से थोड़ा सा गीला है बस, और आगे अल्लाह खैर करे बेहतर है। स्नोफॉल ये पहले की हुई है, ये बर्फ़ फुल जमी हुई है, और ये जमी बर्फ़ काफ़ी ख़तरनाक होती है गाड़ियों के लिए भी, पैदल चलने वालों के लिए भी। तो पहले हमने गाड़ी रोक दी थी ऊपर, और वो ऊपर यहाँ से ऊपर वाले साइड पर, और उसके बाद फिर हमने जब दो तीन गाड़ियाँ आती देखी, हमने कहा यार खुद यहाँ से भी ले जाओ, इधर कौन सा कोई इतना मसला है। लेकिन ये जगह वर्थ है, सिंगल एवरी सिंगल पैनी, इतना खूबसूरत सीन है यार नीचे वाली साइड पे। अभी ये छोटे वाली है, बड़े वाली वो कह रहे हैं, बड़े वाले का क्या कह रहे थे? वो 3 घंटे दूर है अब हमारे पास, रियल लेक। हाँ वो असली मतलब जो कुदरती झील होती है ना, वही वाली है, लेक है। तो ये तो इन्होंने खुद एक छोटा सा पॉइंट बनाया हुआ है ना दरिया के साथ, वो जो गाड़ी जा रही है ना सामने, वो अभी गुजर के गई है वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट निकले थे, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया कि यहाँ से हम निकले। लेकिन फॉरेस्ट भी बहुत खूबसूरत है यार, अभी ये देखे सीन कैसा हो गया। और हम लोग बिल्कुल नीचे गए हुए थे, यहाँ से रोड ठीक है, आगे आपको पता ही है रोड कैसा टूटा हुआ है। यहाँ पे तो भाई सूरज फुल गुस्से में, अब अभी यहाँ पे ना ये देखें
आप तो ये हाइकिंग के लिए आपको लिए छोटे छोटे घोड़े भी मिल जाएंगे, जरा कि ये घोड़े ही है ना। तो भाई यहाँ पे उन्होंने कहा जी इधर गाड़ी रोक ले, पहले उन्होंने कहा हमें पीछे रोक ले, लेकिन हमने कहा देखते हैं कहाँ तक जाती है, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक ले जाएंगे, उसके बाद रोक लेंगे। हमने हिम्मत की और हम लोग यहाँ से निकल गए, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी यहाँ पे हमें सिर्फ मिला है 5 मिनट का मौका, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमने जाना है आगे। तो ये है जी उशु फॉरेस्ट जो कलाम का है और इंतहाई खूबसूरत है, यहाँ पे देख लें। और आपको एक चीज़ दिखाऊँ, पता नहीं नज़र आ रही है कि नहीं, यहाँ से ना ये देखें, आपको अगर कोई ड्रॉप नज़र आ रहे हैं, ये जो दरख्तों के ऊपर थोड़ी बहुत बर्फ पिघली है ना, वो ड्रॉप्स गिर रहे हैं। इतना खूबसूरत सीन है ये, नीचे घना जंगल गहराई। और ये रही हमारी करोला GLI नॉट XLI। अभी हो रहा है जी फोटो सेशन, और जरक साहब उमैर साहब का फ़ोटो सेशन है मेरे पर। यहाँ से हम थंबनेल लेंगे इसका, और उसके बाद इंशाल्लाह जो है हम लोग यहाँ से फिर आगे निकलेंगे, मज़ीद देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है। वीडियोग्राफी के लिए क्या क्या करना पड़ता है, जानबूझ के मैंने गाड़ी रोकी है, जरक को कहा है कि भाई आप लोग आओ मैं क्लिप लेता हूँ, मुझे गाड़ी के शॉर्ट्स चाहिए। वो मान नहीं रहा था, मैंने कहा यार सिर्फ 2 मिनट की बात है, मैं आगे भाग आता हूँ। और उनको मैंने कहा गाड़ी आप लोग ले आओ, आ जाओ आ जाओ। अब गाड़ी वो लेके आ रहे हैं, तो मैंने उनके गाड़ी के क्लिप लेने हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि उसकी क्लिप ले सकूँ। भाई सारे काम करने हैं, शौक भी है, काम भी है, आपको भी दिखाना है। मेरे साथ ये सीनरी चेक करें ज़रा, बरहल बार ये खौफनाक भी है। अभी हम भाग रहे हैं जी पीछे, क्लिप मैंने ले लिया। और ये भाई वो सड़क है जो टूटी है, ये हाइट थी, आप अंदाजा लगा लें नीचे से कहाँ से बच्ची चलते आ रही है। आप पहुँच गए, खैर हो गया काम अल्हम्दुलिल्लाह जी। सेफली हम लोग मंगोरा तक पहुंचने वाले हैं, जस्ट थोड़ा सा रह गया। और सबसे जो डिफ़िकल्ट ट्रैक था वो था वही कलाम वाला, क्योंकि वो पूरी लैंडस्लाइडिंग से रोड टूटा हुआ है। हमारी कोशिश यही थी और हम टाइम पे आ गए, भाई साहब का मेहरबानी। अब गाड़ी रुकी है, जब से गाड़ी चल रही है एक दफ़ा मैं वीडियो के लिए उतरा हूँ। और अभी शीशा जो है वो गाड़ी का हमें साफ करना था, इसलिए थोड़ा गाड़ी को रेस्ट मिल जाए। आगे सारा रोड बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, यहाँ पर नेटवर्क का भी मसला नहीं, वहाँ पर ये सारे मसले थे। और सर्दी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी हमने कुछ नहीं खाया ना खाना है। अभी जाएंगे जहाँ होटल है हमारा, वहाँ पे जाके सामान वगैरह देख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर कुछ देर बाद खाएंगे, क्योंकि जितना वो ऐसे ऐसे बंदा हुआ हुआ है ना, तो पागल हुआ हुआ, तो अभी हम देखते हैं क्या करते हैं। फ़िलहाल तो बस होटल पहुँचना है। तो वैसे यहाँ पर ना मंगोरा में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। अजी हम अल्हम्दुलिल्लाह वापस मंगोरा पहुंच गए हैं, और हम अभी कुछ शॉपिंग करने लगे हैं बच्चों के लिए, घर वालों के लिए। यहाँ की चीज़ें वैसे तो ये सारी फैसलाबाद में ही मिलती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी डिफरेंट है, जैसे ये सूट है, तो इस तरह का मतलब मैं अपनी बेटी के लिए या बच्चों के लिए देखता हूँ, बच्चों के लिए कोई इस तरह की चीज़ मिल जाए। और एक दो कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल भी नहीं मिलती, ऐसा नहीं होता कि आपको हर चीज़ वहाँ से मिल जाए, तो कुछ चीज़ें डिफरेंट भी होती हैं, वो देखते हैं। लेकिन पहले हम करने लगे हैं खाना खाने लगे हैं, उसके बाद हम इस शॉप की तरफ आते हैं। वैसे ऊपर तो होटल भी बना हुआ है, बट हमारा होटल वैसे रिज़र्व है, तो अभी हम पहले तो यहाँ से कुछ खाना खाते हैं, क्योंकि तबीयत हमारी वैसे ही बड़ी ख़राब थी। तो अभी थोड़ा सा ये कि आधा घंटा जब खाना पकेगा उतनी देर में हमारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। गाड़ी इधर पार करते हैं, खाना खाते हैं, फिर देन बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं। ले जी हमारा रात का डिनर, हमने मंगवाया है जी एक अफ़गानी नान, जो कि मेरा ख्याल है हम तीनों ही खा सकते हैं, साथ में जी अफ़गानी पुलाव, साथ में चिकन टिक्का, काफ़ी डिफरेंट सा है कबाब है, और ये है जी लेग पीस जो कि काफ़ी डिफरेंट है नॉर्मल से। तो यहाँ पे इसी तरह का हल्का खाना मिलता है, मतलब कि हल्का मतलब नमक मिर्चों से बगैर, तो ये हेल्दी खाना आप कह सकते हैं। पंजाबी बंदों को ज़रा स्पाइसी खाना ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे खाना ना मसाले वाला नहीं मिलता, बस ये चीज़ याद रखिएगा, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती जैसी आप पंजाब में एक्सपेक्ट करते हैं। खाना डिसेंट होता है, लेकिन है वो नहीं स्पाइसी एक्सट्रीम नहीं होता। अभी मैं क्या करने लगा गाड़ी से ना, ये शूज़ जो हैं ये डिग्गी में रखूँगा, और मैं चप्पल पहनने लगा। सॉक्स मैंने पहनी हुई हैं, तो हम पहनते हैं चप्पल। और एक तो ना ये शोर बड़ा करती है, उसको क्या मसला ये देखिए। फाइनली जी हम लोग अपने होटल में आ गए हैं, और थकान से हमारा इतना बुरा हाल हुआ हुआ है। तो ऐसा कि हम लोग घूमते फिरते हैं, लेकिन हम लोग नहीं गए। और अभी ये है कि अपने कमरे में आके बैठ गए, सामान सूख रखा है, हीटर चला लिया इसी का, क्योंकि यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। और अभी हम अपनी वीडियो वगैरह एडिट करते हैं,
आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे कल मुलाकात होगी। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।